यहाँ विवाह के लिए कब्र से चुराकर लानी पड़ती है लाश। आज हम आपको एक ऐसे मामले के संबंध में बताएंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल चीन के कुछ हिस्सों में एक अजीब से रिवाज का पालन किया जाता है, जहां यदि किसी भी दूल्हे या दुल्हन की शादी से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो फिर उनका भुतः विवाह कराया जाता है। सूत्रों की माने तो हेबेई प्रोविंस में 18 वर्ष की एक लड़की के शव को भुतः विवाह हेतु चुराया गया है। इस मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, साथ ही लड़की की कब्र के नजदीक लोगों के कुछ सामान भी मिले हैं। इसके बारे में लड़की के परिजनों का कहना है कि कुछ समय पूर्व एक अजनबी उनके घर आया था और लाश खरीदने की इच्छा प्रकट की थी, परंतु उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। बता दें कि इस भुतहा शादी के लिए आमतौर पर सिंगल मर चुके लोगों के शरीर का इस्तेमाल किया जाता है।